इजो आमिर सना अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब सेफ होंगे, खुशहाल होंगे। और आज है संडे और यहाँ पे अरहान का एक क्यू मैथ्स का ट्रायल सेशन चल रहा है। मुझे क्यू मैथ्स से कॉल आया था, तो एक वो लोग डेमो क्लास दे रहे थे, फ्री डेमो क्लास होता है उनका, तो वो मैंने बुक करा दिया था संडे के दिन। तो यहाँ पे अरहान का वो सेशन चल रहा है, काफ़ी अच्छा रहा, बट आई विल थिंक अबाउट इट। मैंने इसके पहले प्लैनेट स्पार्क और उदय क्लासेस ये सब भी अटेंड करवाया है अरहान से। उसके बाद हमारा लंच वगैरह हो गया था, तो बहुत सारा लेमन लेके आ गई थी मेरी मदर इन लॉ, तो उनको मैंने ऐसे स्क्वीज़ कर लिया और अभी मैं इनको ऐसे क्यूब्स बना के रख लूँगी। और अगर क्यूब्स बना के रख लो ना तो उनमें ऐसे कड़वापन नहीं आता, तो मैं क्यूब्स बना के रख लेती हूँ। और आज ये हो गया, देखो पता नहीं कैसे हमारा मतलब थोड़े देर के लिए ऑक्सीजन बंद हो गया था, तो ये जो फिश है ना, ये मतलब पता नहीं, ये ऐसा समझ लीजिए कि ये मरने वाली थी। बट ये देखो, ये जो छोटी छोटी फिश इसके पास आके कर रहे हैं ना, तो हम लोग ऐसा बोल रहे थे कि ये लोग इसको ऑक्सीजन दे रहे हैं। वन डे पूरा एक दिन ये फिश ऐसी ही थी, कभी अंदर जा रही थी, कभी प्रॉपर स्विम करने लग रही थी, कभी पलट जा रही थी। बट सेकेंड डे नाउ शी इज़ और ही इज़ एब्सोल्युटली फाइन, वो एकदम परफेक्ट है, मतलब उसको एक नई लाइफ मिल गई। और उसके बाद शाम में हम चले गए थे आयत का बर्थडे ड्रेस लेने, मतलब आयत के लिए कपड़ा लेने गए थे हम। आयत का बर्थडे आ रहा है, जिस दिन बकरीद है उसके नेक्स्ट डे आयत का बर्थडे है, तो दो दो फंक्शन है, तो हमने सोचा आयत के लिए कपड़ा ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे आए हैं बच्चों के लिए, हमारा क्या है ना, कोई भी फंक्शन होता है तो चल जाता है, जो कपड़े रहते हैं, चलो लॉकडाउन है, कहीं जाना नहीं है तो भी चल जा रहा है। बट जब बच्चे हैं ना, तो वो दिन पर दिन बच्चे बढ़ते हैं, फिर ऐसा हो जाता है कि अरे वो कपड़ा अभी नहीं हो रहा है, छोटा हो रहा है, ऐसा होने लगता है, तो बच्चों को कपड़े लगते हैं। और ये जो आप कपड़े देख रहे हैं ना, इतने सारे कपड़े आयत ने ट्राई किए हैं, ये जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, ये सारे कपड़े आयत ने ट्राई किए थे, कम से कम 15 जोड़ा कपड़ा उसने ट्राई किया था, और उसने वही लिया जो उसको पसंद आया। तो वो सब मैं आपको दूसरे किसी व्लॉग में या फिर बर्थडे के व्लॉग में दिखाऊंगी कि मैंने उसके लिए मतलब क्या कपड़े लिए थे और क्या क्या लिया था। उसके बाद मैं घर पे आ गई थी, तो यहाँ पे मैंने अपने लिए कॉफ़ी चढ़ा दी है। और वैसे नॉर्मली मैं चाय पीती हूँ, कॉफ़ी का कुछ इरादा नहीं था मेरा, बट आज मुझे अकेले ही पीना था, तो मैंने सोचा कॉफ़ी बना लेती हूँ। और मेरा फेवरेट बिंगो मैड एंगल्स जो मैंने लास्ट टाइम लाया था, तो अभी वो मैं यहाँ पे इंजॉय कर रही हूँ। पापा, पापा, दादा, दादा, बाबा, दादा, बाबा, नहीं, दादा, दादा, बोलो दादा, ये, अच्छा मम्मा, 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 मा मा, मा। उसके बाद आज मैं यहाँ बना रही हूँ डिनर में मटर पनीर, तो मैंने इस बार फर्स्ट टाइम घर का बनाया हुआ पनीर लिया है। और ये एक बड़ा साइज़ कांदा लिया है मैंने, 4 हरी मिर्ची और इतने लहसुन और इतना अदरक है, ये कुछ 1.5 इंच के आसपास अदरक का टुकड़ा लिया था मैंने और लहसुन था। तो नॉर्मली मैं अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ करती हूँ, बट अभी मेरा ख़त्म हो गया है तो मैं अदरक लहसुन ले रही हूँ। और इस बार मैंने फ़र्स्ट टाइम घर में पनीर बनाने को ट्राई किया था और अच्छा खासा पनीर बन गया था, तो आज मैं अपना बनाया हुआ पनीर का सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। तो इसको मैं थोड़ा सा तेल डाल के अच्छे से फ्राई कर लूँगी, मतलब हल्का सा हमको इसको फ्राई करना है, उसके बाद इसका ही पेस्ट बनेगा। फिर मैंने ये एक टमाटर लिया है
और अब इसको टमाटर को भी इसमें डाल दूंगी, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ ताकि जो टमाटो मैंने डाले वो सॉफ्ट हो जाए। और अब टमाटर, कांदा, लहसुन, अदरक ये सब मैं अच्छे से भून लूँगी। ये देखिए मैंने जो लेमन स्क्वीज़ करके रखा था ना, वो अच्छा खासा क्यूब बन गया है। तो अभी मैं इसको निकाल के ये ज़िपलॉक बैग में डाल दूँगी और इसको फ्रीज़र में डाल दूँगी। और इसको बहुत जल्दी रखना पड़ता है क्योंकि ये जैसे ही निकालो ना वैसे ही गलने लगता है। और जब भी ये ऐसे बहुत सिंपल रहता है, जब भी आपको शरबत बनाना हो, लेमन जूस बनाना हो, तो आप नॉर्मल पानी में ये एक क्यूब्स डाल दीजिए, शक्कर डाल दीजिए, बस बन गया। उसके बाद यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ले लिया है 2 बड़ा चम्मच तेल, और उसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। हम लोग तीखा खाते हैं, इसके लिए मैंने मिर्ची भी 4-5 ली थी, और अभी मैं यहाँ पे 2 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर भी डाला है। और बाद में मैं देखूँगी कि अगर मुझे और ऐसा लगेगा कि अभी थोड़ा कम तेज़ है तो फिर थोड़ा सा तेज़ डाल दूँगी। फिर यहाँ पे जो मैंने मसाले भुने थे उसका प्योरी बना के ले लिया था, और वो अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। और ये मसाले को मैं अच्छे से भून लूँगी। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 3 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला। और गरम मसाला मैं इसलिए कम डाल रही हूँ क्योंकि बाद में मैं इसमें पनीर मसाला भी डालूँगी। मेरे पास एवरेस्ट का पनीर मसाला है, तो लास्ट में वो भी मैं थोड़ा सा डालूँगी, इसलिए मैंने गरम मसाला बहुत कम डाला है। अब इसको एज़ पर रिक्वायरमेंट मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से इसको पका लूँगी। मसाले को ढक के बीच में चलाते हुए मसाला जब अच्छे से भुन जाएगा ना, तब हम इसमें मटर डालेंगे। मेरा लास्ट वीडियो था, एक अरहान ने अपने कज़िन्स के साथ में एक गेम चैलेंज किया था, तो वो वीडियो था। बच्चों के साथ में कोई भी वीडियो बनाना, चाहे वो गेम हो या कोई भी वीडियो है, बनाना, उसको एडिट करना, उसमें बहुत एफ़र्ट लगता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो प्लीज़ मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप प्लीज़ वो वीडियो को देखिए, इन्जॉय कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा। और अभी आप देखिए मैंने ये जो मेरा होममेड पनीर था वो मैंने इसमें डाल दिया है, और जैसे मैंने बताया मैं एवरेस्ट का पनीर मसाला यूज़ करती हूँ, तो वो भी मैंने इसमें 1 चम्मच डाल दिया। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी और 5 से 7 मिनट के लिए मसाले के साथ में पनीर को पका लूँगी। उसके बाद मेरा पनीर रेडी हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर मेरा अच्छा सा टेस्टी सा पनीर, मटर पनीर रेडी है। अब मैं इसको ऊपर धनिया पत्ती से गार्निश कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा डिनर रेडी हो गया था, और मेरे घर की जैसे ईद है तो थोड़ी बहुत साफ़ सफाई चल रही थी, तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपना जो वार्डरोब है वो क्लीन करने के लिए। मेरे हस्बैंड का और मेरे बच्चों का मैंने कर दिया है, मेरा रह गया था। मैं अक्सर करके हर 3-4 महीने में अपना वार्डरोब क्लीन करती हूँ, डिक्लटर करती हूँ। जो कपड़े हमने बहुत टाइम से नहीं पहने हैं, जो अब हमें फ़िट आते हैं या हम नहीं पहनने वाले हैं, उनको मैं निकाल देती हूँ। वो ज़बरदस्ती अपने कबर्ड में स्पेस ऑक्यूपाइड कर देते हैं, बट अगर हम किसी को डोनेट कर देंगे तो वो उनको यूज़ हो जाएगा। डेफिनेटली हमको उनकी ज़रूरत नहीं है, बट समवेयर समबडी इज़ डेफिनेटली नीड दैट, तो वो मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी अपने कपड़े डिक्लटर कर रही हूँ, मैंने हस्बैंड के और बच्चों के ऑलरेडी कर दिए हैं, मेरा रह गया था। मेरी ऑलमोस्ट सारी साफ़ सफाई हो गई है, और ईद की प्रिपरेशन भी हो गई है। जो भी थोड़ा बहुत मैंने ईद के लिए तैयारियाँ की हैं उसका मैं एक ब्लॉग बनाऊँगी, डेफिनेटली आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने मिलेगा कि मैंने छोटी मोटी क्या तैयारियाँ की हैं बकरीद के लिए। स्पेशली ईद में ज़्यादा रहता है, बकरीद में उतना कुछ नहीं रहता है, क्योंकि बकरीद में हम लेडीज़ को भी और जेंट्स को भी बहुत काम रहता है, तो वो हिसाब से। और बकरीद में सही बोलूँ तो घर भी गंदा होता है, तो इसके लिए फिर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है। जो भी किया है मैं डेफ़िनेटली आपके साथ में शेयर करूँगी। और आयत का बर्थडे है 22 जुलाई को, तो उसका भी जो भी प्रिपरेशन है, जो भी बर्थडे की तैयारियाँ हैं, वो भी मैं शेयर करूँगी आपके साथ में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल, एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन इफ़ यू इंजॉय दिस वीडियो। एंड आपका 1 सब्सक्रिप्शन मीन्स मी अलॉट, आपका कोई पैसा नहीं जाना है, बट मुझे आपके सब्सक्रिप्शन से इट गिव्स मी मोटिवेशन टू मेक मोर वीडियोज़, मोर व्लॉग फॉर यू ऑल। एंड
This is it for today, and I will see you in the next video. Till then, take care of your family, take care of your kids, and firstly, take care of yourself. See you in the next video. Bye-bye.